रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स, आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है ब्लड। ब्लड यानी खून, हमारे जिस्म का एक बड़ा इम्पोर्टेंट टिश्यू। ब्लड की डेफिनेशन मैं आपको बताता चलूं। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारे बॉडी में गर्दिश करता है और हमारे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। न्यूट्रिएंट से मुराद गजाई मादे हैं। इसके अलावा ब्लड हमारे पूरे बॉडी से वेस्ट को इकट्ठा करके किडनीज तक भी लेकर जाता है और किडनीज उस वेस्ट को हमारे ब्लड में से फिल्टर करती हैं। और इसी तरह ब्लड हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके फेफड़ों तक लेकर जाता है और फेफड़ों के ज़रिए उस कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। अब इसके बाद ब्लड के कंपोनेंट्स की कुछ बात करते हैं। ह्यूमन ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा खून का माया हिस्सा है, यानी कि लिक्विड पोर्शन है, और इस प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स फ्लोट करते हैं। प्लाज्मा 99% पानी पर मुश्तमिल है और बाकी इसके अंदर ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब चीज़ें भी प्लाज्मा में मिलती हैं। और प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड है। ब्लड सेल्स की तीन बुनियादी किस्में हैं, रेड ब्लड सेल्स जिनको RBCs या एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स जिनको ल्यूकोसाइट्स या WBCs भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। RBCs का फंक्शन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करना है। इसी तरह WBCs का फंक्शन बॉडी का डिफेंस करना है अगेंस्ट इन्फेक्शंस, या बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी किस्म का कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट WBCs काम करते हैं। प्लेटलेट्स का फंक्शन बॉडी के अंदर क्लॉटिंग करना है, यानी कि खून को मुंजमित करना। चोट लगने के बाद खून खुद ब खुद रुकता है और ये प्लेटलेट्स की बदौलत है। RBCs रेड कलर के होते हैं क्योंकि RBCs के अंदर एक रेड कलर पिगमेंट, एक कलरिंग मैटर मिलता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन की बदौलत ही RBCs ऑक्सीजन को कैरी करने के काबिल होते हैं। RBCs का अप्रॉक्सीमेट साइज़ तकरीबन 7.2 माइक्रॉन है और RBCs के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। RBC काउंट तकरीबन 3.8 मिलियन से लेकर 5.8 मिलियन के करीब होता है।